इंदिरा नगर में हुई चोरी पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, जबकि लाइव फुटेज भी थे चोरों के। लोग पहुंचे एसपी के पास। इंदिरा नगर स्थित योगेंद्र द्विवेदी के मकान में उनकी अनुपस्थित में चोरों ने जेवरात सहित नकदी पार कर दी थी, जब वह अपनी पत्नी मनु द्विवेदी के साथ इंदौर गए हुए थे। इसी दौरान एक अज्ञात चोर उनके घर में घुसा, 2.5 लाख नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात उसने पार कर दिए। मनु जब इंदौर से अपने घर लौटी तो उन्होंने अपने घर का ताला टूटा हुआ पाया। घर के अंदर आने पर सबसे पहले उन्होंने नकदी और जेवरात को देखा, वह गायब था। सीसीटीवी में कैद अज्ञात चोर नए जूते सहित नकदी व जेवरात ले उड़ा था। योगेंद्र द्विवेदी ने अपने पहली मंजिल किराए से दे रखी है, वह दूसरी मंजिल पर रहते हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। समान पुलिस चौकी ने जब सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने के बाद भी चोरों को नहीं पकड़ा तो पीड़ित जन और मोहल्लेवासी पुलिस अधीक्षक के पास फरियाद लेकर पहुंच गए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार द्विवेदी है। मेरे घर में चोरी हुई थी, उसी के संदर्भ में एसपी साहब को ज्ञापन देने आया हूँ आवेदन देने के लिए। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। चोरी कब हुई थी? 13 तारीख को इंदौर चला गया था। 16 तारीख को जब लौट के आया तो मेरे घर का ताला टूटा हुआ था, अलमारी पूरी टूटी हुई थी, सारा सामान बिखरा हुआ। क्या क्या गया था सामान? 2.5 लाख रुपये नगद, लगभग 50-60 हज़ार के जेवर गए। और कुछ सामान गया था? 13 जिंदा कारतूस जो मेरे राइफल की गई थी, और कागजात और बहुत सारे सामान। किस मोहल्ले से? इंदिरा नगर से। इंदिरा नगर, क्या कहना आपका है इसमें? देखिए, सामान थाना के अंतर्गत ये चोरी की कार्रवाई हुई थी, जिसमें फुटेज भी है। रामानंद जी ने फुटेज भी दिया था, फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करा दिया गया था। इसके बाद समान थाना पुलिस थाना प्रभारी के द्वारा इस पर इस विषय पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो रही। इस संदर्भ में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को आज इस आशय का ज्ञापन सौंपा गया है कि इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहिए कि उनके पास फुटेज है, अन्य बिंदु है, जो पहलू है उस पहलुओं की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और चोरी की वारदात पर रोक लगनी चाहिए। ये लगातार पूरे रीवा जिले में खुलेआम चोरों का गिरोह सक्रिय है, घरों में लूट हो रही है, डकैती पड़ रही है और पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है।